हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिबिस्कस के पौधे में फॉलियर स्प्रे करने के लिए पांच ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे अभी आपको अपने हिबिस्कस के प्लांट में ज़रूर स्प्रे करना है। इससे पहले मैंने हिबिस्कस की प्रूनिंग प्रोसेस विद फर्टिलाइजर्स, फिर उसके कुछ दिनों के बाद फिर से फर्टिलाइजर्स की वीडियो शेयर की थी, और आज मैं हिबिस्कस की पिछली वीडियो के 19 दिनों के बाद फिर से फर्टिलाइजर्स की वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, एक्चुअल में यह वीडियो हिबिस्कस की पिछली वीडियो के आगे का प्रोसेस है, यानी यह वीडियो हिबिस्कस के पौधे को फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर करने का पार्ट 3 है। अगर आपने पिछली दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ फॉलियर स्प्रे पर बात करेंगे कि अभी आपको स्प्रे करने के लिए कौन कौन से फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है। अभी मैं गमले की मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइजर्स नहीं डालूंगा क्योंकि अभी मीडिया काफ़ी गीला है और हमें फर्टिलाइज करने के लिए मीडिया के ड्राई होने तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन आज मौसम थोड़ा सा खुला है और सनलाइट भी है, तो ऐसे में इसमें फॉलियर स्प्रे ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। यह फोटोसिंथेसिस को फास्ट करेगा, पत्तियाँ क्लोरोफिल ज़्यादा बना पाएंगी, और पत्तियाँ क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही भोजन बनाती हैं, और क्लोरोफिल की कमी होने पर ही पत्तियों में पीलापन आता है। इसलिए पत्तियों में पीलापन आने पर मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करने को कहा जाता है, क्योंकि इसे यूज करने पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज़ हो जाती है, क्लोरोफिल ज़्यादा बनता है, और क्लोरोफिल ज़्यादा बनने की वजह से पत्तियों में ग्रीनरी आ जाती है और पौधे नाइट्रोजन को ज़्यादा इंटेक कर पाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन या किसी भी न्यूट्रिएंट को इंटेक करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का सही रहना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप मैग्नीशियम सल्फेट को स्किप नहीं कर सकते, बल्कि इस वीडियो में आपको जो भी फर्टिलाइजर देखने को मिलेंगे इनमें से किसी को भी आपको स्किप नहीं करना है। और ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये सनलाइट में ही पॉसिबल रहता है, इसलिए आज मौसम मुझे सही लग रहा है इसलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मैग्नीशियम सल्फेट की जो क्वान्टिटी है उसे आपको हाफ चम्मच या इससे भी थोड़ा सा कम लेना है। इसके बाद दूसरा फर्टिलाइज़र है यूरिया, जो कि यह नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है। इससे पत्तियों की ग्रोथ फास्ट रहेगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया एप्सम सॉल्ट से फोटोसिंथेसिस की क्रिया फास्ट हो जाती है और पौधे न्यूट्रिशंस को बेहतर इंटेक कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर यूरिया को पौधों की न्यू ग्रोथ के लिए ऐड किया गया है, और यहाँ पर नाइट्रोजन अपना वर्क फास्ट करेगा। इसकी क्वांटिटी आपको 1 ग्राम तक लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद तीसरा फर्टिलाइज़र है कैल्शियम। कैल्शियम भी मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र है, और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट की तुलना में ज़्यादा होती है। इसकी क्वांटिटी आपको 1/4 चम्मच तक लेनी है। कैल्शियम फर्टिलाइज़र को ऐड करने पर पत्तियाँ कर्ल टाइप नहीं आएंगी, पत्तियों का स्ट्रक्चर सही रहेगा, बेढंग सा नहीं रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो पत्तियों को सही शेप में लाने के लिए कैल्शियम भी एक इम्पोर्टेंट तत्व है, इसे भी आप ज़रूर ऐड कर लें। और ये सभी चीज़ें आपको सीड शॉप में मिल जाएंगी। देखिए, वीडियो में सब कुछ बताने पर भी कुछ कमेंट्स आते हैं कि फलाना फर्टिलाइजर्स कहाँ मिलेगा, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका उत्तर वीडियो में पहले से बताया गया होता है। दोस्तों, इसके बाद हमें चौथे नंबर पर ऐड करना है फंगीसाइड पाउडर। यह साफ ब्रांड का फंगीसाइड पाउडर है, इसकी जगह आप ट्राइकोडर्मा वगैरह भी ले सकते हैं। फंगीसाइड पाउडर ऐड करने पर पत्तियों में फंगस नहीं लगेगा, जो कि बेमौसम बारिश के बाद पत्तियों में ब्लैक स्पॉट काफ़ी आने लगते हैं, तो ये भी एक तरह का फंगस ही होता है, और ये सब समस्या इसे ऐड करने पर नहीं आएंगी। इसकी क्वांटिटी आपको हाफ चम्मच तक लेनी है। इसके बाद लास्ट में 5वें नंबर पर आपको ऐड करना है पेस्टिसाइड। यह इमिडाक्लोप्रिड है, इसकी क्वांटिटी आपको 1 ml तक लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा यूज करने पर पत्तियाँ डैमेज हो सकती है और यह मेरे साथ हो चुका है। इमिडाक्लोप्रिड एक केमिकल पेस्टिसाइड है, और इस वीडियो में बताई गई सभी फर्टिलाइजर भी इनऑर्गेनिक यानी केमिकल ही है। इसे मैं प्रिकॉशन के तौर पर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें किसी भी तरह का पेस्ट अटैक जैसे मेलीबग वगैरह का अटैक नहीं हुआ है, लेकिन पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करने पर
मेली बग का अटैक होना तय रहता है, क्योंकि मेली बग हिबिस्कस प्लांट की सबसे बड़ी समस्या है। इमिडा का स्प्रे अगर आप करते हैं तो आप 20 से 25 दिनों तक फुर्सत हो जाएंगे। इसकी जगह आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, और प्रिकॉशन के तौर पर ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर एक बार मेली बग का अटैक हो गया तो नीम ऑयल के एक बार के स्प्रे करने मात्र से यह समस्या ठीक नहीं होगी। इसके लिए आपको हर दूसरे तीसरे दिन नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा, जब तक कि मेली बग पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। लेकिन इमिडा क्लोक्रिड, जो कि एक केमिकल पेस्टिसाइड है, इसके एक बार के स्प्रे करने मात्र से ही सारे मेली बग ख़त्म हो जाते हैं, और इमिडा चींटियों को भी कंट्रोल करता है, और चींटियाँ ही जिम्मेदार होती हैं मेली बग को पौधों में फैलाने के लिए। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ों का भी आपको हिबिस्कस प्लांट पर स्प्रे करना है, और इसकी आगे की फर्टिलाइजर्स की वीडियो मैं तभी बना पाऊँगा जब गमले की मिट्टी थोड़ी ड्राई होगी। और मेरे पास कुछ कमेंट भी आ रहे हैं कि सर, आप एक प्रोसेस के बाद आगे की प्रोसेस वीडियो नहीं लाते हो। तो देखिए, तभी पॉसिबल होगा जब मौसम अनुकूल होगा। अगर मैंने आपको कोई फर्टिलाइज़र 15 दिन के अंतराल पर डालने को कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर 15 दिन पर डालना ही डालना है। इसके लिए मौसम का सही होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कई दिनों तक सनलाइट नहीं रहा और बादल छाया हुआ रहेगा, और ऐसे में अगर आप प्लांट को फर्टिलाइज करेंगे तो सनलाइट ना होने की वजह से प्लांट में भोजन बनाने के लिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना होता है वो नहीं हो पाएगा, और जो भी न्यूट्रिशन आप देते हैं उसे पौधा नहीं ले पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।